अभी हम मॉल में आए हैं। यहाँ पे हम कुछ सामान खरीदने वाले हैं, कुछ जैकेट्स और स्वेटर लेने का प्लान है हमारा। तो जस्ट दो तीन जगह हम लोग सर्च कर चुके हैं और फाइनली देखते हैं यहाँ पे हमें पसंद आता है कि नहीं आता। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। शॉपिंग हो गई, सामान हम लोग को फाइनली मिल गया। जैकेट तो काफ़ी दिन से मैं सर्च कर रहा था और आज मुझे मेरी पसंद का जैकेट मिला है। बहुत दिन के बाद मैंने अपने से कोई जैकेट खरीदा है, वरना घर वाले ही ला के दिया करते थे। तो आज का जैकेट फिलहाल बहुत अच्छा था और अंकित ने स्वेटर लिया और मैंने जैकेट लिया, तो हम लोगों ने खरीद लिया है। हालाँकि अच्छा लगा बहुत। अब हम जहाँ पर आ गए हैं, इस जगह का नाम मीना बाज़ार है और हम यहाँ पर हेलमेट खरीदने के लिए आए हैं। वही देखते हैं वहाँ पर कैसे कैसे हेलमेट मिलते हैं। हेलमेट के लिए हम स्टॉक में आए, फाइनली हमें एक हेलमेट पसंद आ गया है और जिस इसको हम लोग लेने वाले हैं। और कौन सा हेलमेट है इनके? स्टील बर्ड। फाइनली ये हेलमेट हमें पसंद आया है और इसको हम बाय करने वाले हैं। शॉपिंग के बाद हम लोग घर आ चुके हैं और आइए अब चलते हैं, देखते हैं हमारा सामान। हमने जो हेलमेट ख़रीदा है उसको आइए चेक कर लेते हैं। तो ये रहा वो हेलमेट जो हमने खरीदा है। ये है वो हेलमेट जो हम लोगों ने आज ख़रीदा है। ये स्टील बर्ड का हेलमेट काफ़ी पसंद आया मुझे। आज जब मैं मार्केट में था तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया हेलमेट। आज मार्केट में ये हेलमेट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं प्रोफेशनल रिव्यूअर तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि रिव्यू कैसे दिया जाता है। लेकिन बेसिक जो मुझे ये हेलमेट क्यों पसंद आया और मैंने इसे क्यों ख़रीदा, एकदम हॉनेस्टली तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हेलमेट आखिर मैंने क्यों ख़रीदा। तो ये मुझे बहुत पसंद आया वहाँ पे मार्केट में। इसके पीछे रीज़न था, काफ़ी सर्च कर रहा था मैं और मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, तो फाइनली यही एक हेलमेट था जो मुझे दिखा, तो मैं इसको लेके आया। इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका ये जो ग्लास, ये ग्लास है, ये स्क्रैच प्रूफ है। इसका ग्लास स्क्रैच प्रूफ है तो यहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं आने। साथ में 5 साल की वारंटी के साथ हमें मिला है, ये 5 साल तक गारंटी है इसकी।
और गारंटी बॉडी की है, और जो पार्ट खराब हो तो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बॉडी की 5 साल की गारंटी है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और उसके अलावा एक ये फीचर, अगर इसको हम चाहें तो हाफ में भी पहन सकते हैं और फुल में भी पहन सकते हैं। अगर हाफ में पहनना चाहें तो कुछ इस तरह से हम इसको पहन सकते हैं, और फुल में अगर चाहें तो फिर फुल में एकदम फुल कर सकते हैं इसको। और इसको ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे एक बटन दिया गया है रेड कलर का, बटन को हल्का सा प्रेस करके ऊपर करना है कि खुल जाएगा। तो जस्ट इसको, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे खरीदा। और एयर के लिए साथ में ये दिया हुआ, यहाँ से एयर अंदर जाती है। और उसके अलावा ग्लासेस को ऊपर उठाने के लिए ये बहुत अच्छा दिया हुआ इन्होंने, ग्लासेस पे पकड़ अच्छी बन जाती है, वरना खोजना पड़ता है कहाँ से उठाना है। तो इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ से टच करके हम इसको उठा सकते हैं ऊपर, तो और इसको फिर आराम से नीचे भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत पसंद आया ये। स्टील बर्ड का 580 mm का ये हेलमेट, ब्लैक कलर का, बहुत ही हल्का हेलमेट है, तो बहुत वजन नहीं है इसका, काफ़ी लाइट वेट है, तो इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, काफ़ी देर तक इसको पकड़ के रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये ख़राब होगा, या तो फिर इतनी आसानी से, इतना भारी है कि मैं थकूंगा, तो ये काफ़ी हल्का है और मुझे पहनने के बाद भी मुझे अच्छा लगेगा। और प्लस ये फुल फेस हेलमेट है तो धूल से भी बचाएगा। और उसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो इसको हाफ फेस करके भी पहन ही सकता हूँ, तो जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया कि हाफ फेस करने के लिए मैं इस तरह से करके पहन सकता हूँ उसको, और फुल फेस करने का तो बहुत अच्छा दिया ही दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने वहाँ से कुछ और भी सामान खरीदा था, एक जैकेट खरीदा था मैंने, और थोड़े सामान और थे। तो जैकेट का यूज़ मैं आगे आपको अपने आगे की वीडियोज़ में करता हुआ दिखूंगा, तो उसका रिव्यू मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो कोई रिव्यू देने वाली मुझे नहीं लगती कि है, और वो किसी स्पेशल ब्रांड की भी नहीं है, एक बहुत अच्छे ब्रांड की है, इसलिए मैं रिव्यू दूँ। लेकिन हाँ, अभी जब भी मैं वीडियोस आगे बनाने वाला हूँ, तो चूँकि ठंडी का सीज़न है, तो जब भी मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ तो उनमें मैं जैकेट का यूज़ करूँगा, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि जैकेट मुझे कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसा लग रहा है मुझे जैकेट। बाकी हेलमेट की बात करें तो वो तो मुझे बहुत पसंद आया ही है। आप हमारे फ्रेंड ही नहीं, आप हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं, आप हमारे फैमिली के मेम्बर की तरह हो। आप हमें सपोर्ट करो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हमें सपोर्ट करो ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। अभी फ़िलहाल वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, तो नॉर्मल मेरे पास जो डिवाइसें हैं मैं उन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी के लिए मैं मेरा सेलफ़ोन यूज़ करता हूँ, मेरे सेलफ़ोन से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इसलिए शायद मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी अच्छी क्वालिटीज़ के भी वीडियोज़ बनाऊँगा। बस एक बार थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें, और थोड़े से रिजल्ट आ जाए अच्छे, फिर मैं कुछ और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा बस। लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ मेरा सेलफ़ोन ही है जिससे मैं वीडियोस बना सकता हूँ, और मेरे सेलफ़ोन का कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी नहीं कर सकता कि बहुत ख़राब है, कैमरा अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत अच्छा कैमरा नहीं है। मेरे पास कोई DSLR नहीं है, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं सिर्फ सेलफ़ोन यूज़ करता हूँ अपना।